ऐसे आदमी के साथ जिसके बारे में आपको जितना कहूँ कम है। अगर हमारी हिंदी बॉलीवुड में अगर एक किताब लिखी जाएगी, तो वो किताब में अगर कंट्रोवर्सी लाना है, सुपर स्टारडम लाना है, द रियल हॉलीवुड लाइफ, मतलब एक्चुअल टर्म्स में अगर कोई लेजेंडरी किताब लिखी जाएगी तो सिर्फ एक आदमी पे लिखी जाएगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रेट दिलीप कुमार साहब और सुनील दत्त साहब, आई एम टॉकिंग अबाउट द यंग एनर्जेटिक बट नंबर वन राइट नाउ संजय दत्त। हाय संजय। हाय। कैसा लगा एंट्री, कैसा लगा? कमाल कर रहा। अच्छा। एनीवे, वन क्वेश्चन व्हिच ऑल ऑफ व्यूअर्स वांट टू नो एंड आई आल्सो वांट टू नो, संजू, यू वर थिन अर्लियर, नो अर्लियर यू वर लाइक क्वाइट प्लम्प, रॉकी डेज, देन यू बिकेम थिन, उसके बाद यू स्टार्टेड, यू ऑलवेज एक्सरसाइजिंग, देन बीच में साजन सड़क के टाइम पे यू बिकेम अ हार्डकोर बॉडी बिल्डर, देन इन द मिडल अगेन यू बिकेम थिन, देन अगेन यू बिकम अ बॉडी बिल्डर। यार तू कौन सी चक्की का आटा खाता है? प्लीज हाउ यार। साजिद, जब मैं जेल चला गया था तो वहां कोई चांस नहीं मिला यार, मेंटली एकदम आदमी डिस्टर्ब हो जाता। बट आफ्टर आई केम आउट आई हैड टू कम बैक इनटू द सेम फॉर्म। या सो इट टुक मी अबाउट अ ईयर, ईयर एंड हाफ, ईयर एंड हाफ, बट यू डिड इट अगेन। हां, हैड टू डू ऑल दिस व्हाइल यू वर लाइक एक्सरसाइजिंग ऑल द टाइम, एक्सरसाइजिंग एवरीडे। मतलब लोगों, आप लोग ये जानते नहीं है, लेकिन संजय दत्त साहब शाम को 6 से 8, चाहे कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए या शहर को आग लग जाए या बिल्डिंग गिर जाए, कुछ भी हो जाए, ही हैज टू एक्सरसाइज एवरी डे। मतलब इफ यू हैव टू शूट अ लेट नाइट शिफ्ट इन द इवनिंग, देन व्हाट हैपेंस? मैं क्या करता हूँ साजिद, आई शूट फ्रॉम 9 टू 6 एंड चलो ऊटी, आउटडोर, वहाँ जिम चला जाता है।